जनाब कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो जी तो इस रूम की तकरीबन जो है ना चार पाँच दिन हो चुके थे सफ़ाई की हुई थी मैंने तो आज वैसे भी वीकेंड है सैटरडे है तो फिर इसकी जो है ना सफाई करनी ही थी और कुछ गेस्ट भी आ रहे थे हस्बैंड के खाने वाल से उनके कोई फैमिली फ्रेंड भी आई थिंक हैं तो वो भी मिलने के लिए आ रहे थे तो इसलिए जो थोड़ी देर बाद सफ़ाई होनी थी वही जो है ना वो जल्दी उठ के तो मैंने ग्यारह बजे जो है ना रूम साफ़ कर लिया था सारा ताकि वो आए तो फिर आराम से वो बैठ जाए और ये आ गया जी दराज़ मुझे ना मेरे हस्बैंड भी अब कहने लग गए हैं कहते दराज के तो आधा जो सामान है ना वो तुमने ही ख़रीद लिया है हर वक्त ही कोई ना कोई ऑर्डर आया रहता है और वो जो देने आते हैं ना वो उनको भी वो दो तीन बंदे ना मखसूस हैं इस एरिया के तो वो आते हैं ना तो आके हमारा ना दरवाज़ा नॉक कर देते हैं कि इनका ही होगा ये ऑर्डर तो अच्छा जी तो ये कुछ इंतज़ाम थोड़ा सा मैंने किया था ये मेहमान के लिए जो आए थे वो लेकिन उन्होंने ना कुछ भी नहीं खाया बस उन्होंने मुझे चाय भी उन्होंने कहा मैंने नहीं पीनी और सिर्फ सिंपल उन्होंने ये कहवा बनवाया था तो ये लेकिन ये भी वापस कर दिया उन्होंने और कुछ भी नहीं वो खा के गए तो फिर नाश्ते को आज बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो गेस्ट की वजह से ही जो है ना हस्बैंड ने कहा पहले उनसे मिल लेते हैं उन्होंने कुछ अपने जो है ना बेटे के सिलसिले में बात करनी थी क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है माशाल्लाह से मैथमेटिक्स के प्रोफेसर है ना तो उनको कुछ अपने बेटे की स्टडी के हवाले से कुछ पूछना था तो इसीलिए वो आए थे तो जनाब आज मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे क्योंकि रात को मैंने गोभी बनाई थी और हम लोग वो बर्गर शारमा वगैरह ले आए थे तो फिर गोभी तो वैसे ही पड़ी रही तो आज सुबह फिर हमने सोचा कि चलें गोभी के पराठे खा लेते हैं और साथ ही साथ जो है ना मैं ये मैट भी यूज़ कर रही हूँ ताकि जो है इसका भी मैं एक्सपीरियंस हो जाए मेरा कि ये कैसा मैट है रिव्यू दे सकूँ मैं आपको इसका तो ये बहुत अच्छा मैट है मैंने जो है ना पराठे मुझे लगता है इसकी वजह से ही न बहुत अच्छे बन गए थे यानी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए पराठे मैंने तीन पराठे बनाए थे और वो बिल्कुल भी जो है ना इसके ऊपर चिपके नहीं है और बहुत अच्छे जो है ना वो बन गए थे तो तो ये गोभी में मैंने थोड़े से जो है ना स्पाइसेस वगैरह भी ऐड कर लिए थे ताकि जो है ना रोटी फीकी ना रहे और जो है ज़रा थोड़ी सी स्पाइसी स्पाइसी हो तो अच्छी लगती है साथ हमने जो है ना वो दही मैंने मंगवाया हुआ है तो दही भी ले आते हैं हस्बैंड तो वो भी निकाल लेते हैं और ये पराठे जो है वो बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं और हमारा जो है ज़बरदस्त सा नाश्ता जो है वो रेडी हो रहा है साथ ही साथ तो इसको जो है ऑयल लगा के अच्छी तरह से दोनों तरफ से मैं पका लूँगी और ये दही भी आ चुका है तो इसको भी निकाल लेते हैं क्योंकि दही जो है ना Uh, मेरे हस्बैंड जो है ना मीठा दही पसंद करते हैं पराठे वग़ैरह के साथ और राइस के साथ जो है वो रायता ले लेते हैं वैसे उन्होंने सिंपल दही खाना हो तो फिर वो चीनी डाल के खाते हैं और मैं जो है बिल्कुल भी चीनी वाला दही पसंद नहीं करती तो मैं चीनी के बगैर ही खाती हूँ तो जनाब अब मैंने ना ये नीचे बिछा लिया और मैंने ना अपने हस्बैंड से कहा है कि बिल्कुल भी ना अब जो है ना बेड पे बैठ के कोई खाना नहीं खाएंगे हम क्योंकि अब्दुल्हादाद जो है ना इतना गंद मचा देता और मैंने सोचा कि अब से ना मैं अब्दुल्हादाद को अलहदा से प्लेट में सब कुछ दिया करूँगी ताकि वो खुद खाया करे और उसका जो है ना पेट भरे क्योंकि जब तक बच्चा अपने हाथ से नहीं ना खाता उसका उस तरह से पेट नहीं भरता जिस तरह से मतलब जब हम खिलाते हैं तो वो चीज़ नहीं होती तो मैं उनको कह रही थी कि चीज़ें आप रखें और वो पता नहीं कहाँ कहाँ रखी जा रहे थे और समझ ही नहीं आ रही थी तो अब्दुल्हाद जो है नाश्ते के बाद चले मैंने सोचा आज इसको मैं टब में बिठा देती हूँ इसकी तबीयत कुछ ख़राब थी ना इसी मैं इसको टब में नहीं बिठा रही थी तो आज भी मैंने इसको टब में बिठा दिया और ये टेप जो है मैंने मंगवाई थी आपने देखा होगा ऑर्डर में टेप भी आई थी और साथ वो जो थे जो है ना हॉट पैन वगैरह को पकड़ने के लिए वो सिलिकॉन के हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है तो रुमाल वगैरह से ना अब मेरी जान छुट जाएगी मैं तो बहुत तंग आई हुई थी रुमाल कभी होता नहीं था कभी नज़र नहीं आ रहा कभी फ्री नहीं है तो किस चीज़ से पकड़ें जी तो अब मैं ना वो यूज़ किया करूँगी गर्म चीज़ वगैरह के लिए तो वो बहुत अच्छी चीज़ है और ये ना टेप लगा के तो फिर ये कुछ चीज़ें मेरी थी लगने वाली ना ये पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चले इनको भी जो है ना साथ ही कर लेते हैं कि यहाँ पर मैंने हैंग की हुई है ये अम्ब्रेला की या कैप और कोई तस्वीर वगैरह हैंग करने के लिए ना और जो है इसके अलावा एक ये है जिसके ऊपर मैंने डिवाइस रखी हुई है और ये कुछ जो है ना ये दो मैंने मंगवाए हुए हैं ये सब मैंने दराज से ही मंगवाया हुआ है यहाँ पे मैंने ये ना स्विच के पास लगाया हुआ है मोबाइल वगैरह लगाने के लिए चार्ज पे तो दीवार भी जो है ना वो टेप की वजह से ख़राब हुई हुई थी इसीलिए मैं ये उतारती नहीं हूँ कि दीवार भी जो है ना वो नज़र ना आए तो जनाब अब हम जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं हम देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं पहुँच के पता चलेगा तो जी तो हम आ चुके हैं जी फॉक्स एंड नाइफ्स पे और आज जो है हम आए हैं मज़ेदार सा पिज़्ज़ा खाने के लिए हस्बैंड का जो है वो मूड था और मेरा भी मूड था तो उन्होंने कहा चलें आज मैं आपको कहीं बाहर ले जाता हूँ और जो है ना हम कुछ खा पी लेंगे तो फिर हमारा इरादा हुआ कि हम फॉक्स एंड नाइफ पे चले जाएंगे और मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ पे कह रहे थे कि ना मैं सोच रहा हूँ कि हम कैसे खाएंगे मतलब अब्दुल आहद के साथ हम ये कैसे हैंडल करेंगे और इसने इतना तंग किया था ना कि हम बीच में हम कह रहे थे कि हम ऐसा करते हैं पैक करवा लेते हैं हम ना जो है ना घर जाके खा लेंगे मैंने कहा नहीं अब आ गए हैं तो अब खा के ही जाएंगे और ये देख लें प्लेट्स रखी थी ना तो मैंने टिश्यूस है ना ये फॉक्स एंड डाइस जो है ना उसको छुपा दिया था कि कहीं अब्दुल आहद को अगर ये नज़र आ गई ना तो बस फिर हम गए काम से और यहाँ पे भी इसने अपने बाबा का वॉलेट पकड़ लिया था और सारी चीज़ें उसमें से फैला दी थी तो फिर मैंने इसको भी छुपाया और इसको हमने बैलून की तरफ लगाया कि किसी तरह से खेले इसका ना एक्चुअली यहाँ पे टेबल पे ना मुंह लग गया था और इसको बहुत ज़ोर से वो लग गया था तो इतना रोया तो जनाब ऑर्डर आ चुका है हमने मंगवाया था जी फॉक्स एंड नाइफ़ जो है ना स्पेशल पिज़्ज़ा मंगवाया था एक और उसके अलावा मलाई बोटी ये विंग्स थे तो ये बहुत ज़्यादा ही हो गया था हमसे खाया ही नहीं जा रहा था एंड वाले लास्ट लास्ट जो पिज्जा पीस थे ना वो तो समझ ले बस हमने ना बस अंदर फेंकने वाली की थी कि बस यार किस तरह से खत्म हो जाए ऊपर से अब्दुल हाद इतना ज़्यादा तंग कर रहा था तो खाना जो है ना वो जब तक आपको तसली ना हो जो है ना सुकून से खाया नहीं जाता एंड ये जी हालात है आखिरी और अब हम वापस जा रहे हैं तो मुझे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं बड़ा लेमोज़ीन निकाल रहा हूँ जो तुम मेरी वीडियो बनाई जा रही हो मैंने कहा कोई बात नहीं हमारी जो है ना बाइक है हमारी लेमोजीन है तो अल्लाह ताला हमें गाड़ी भी दे देगा इंशाल्लाह तो जनाब इसी के साथ आज के व्लॉग का जो है ना वो एंड करते हैं तो आपको कैसी लगी है वीडियो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह कल मिलेंगे अल्लाह हाफिज़